इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकेंड टेस्ट शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने काफी अच्छा टॉस जीता है। टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले सेशन से बॉल टर्न हो रहा था और लास्ट सेशन तक आते आते तो बॉल जहां पे गिर रहा है स्पिनर्स का उधर से मिट्टी उड़ रहा था। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि फोर्थ या फिफ्थ डे में इस पिच का हाल क्या होगा। थोड़ा सा मुझे डर है कि अगर इंडिया जब इंडिया फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करने आएगा और मान लो 150 का भी टारगेट है तो इस पिच पे फंस सकता है। ठीक है, इंडिया का प्लेइंग 11 मुझे लगा कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। तीन चेंजेस हुआ है, एक केएल राहुल बाहर हो गया है, सिराज की जगह आकाशदीप आया है और कुलदीप की जगह वॉशिंगटन सुंदर आए। ठीक है, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं दिलीप ट्रॉफी के फर्स्ट मैच से कह रहा हूं कि टाइम बहुत जल्दी आने वाला है कि जब इंडिया दो ही पेसर को चुनेगा तो आकाशदीप विल बी द सेकेंड प्रायोरिटी। जो दिन आ गए, सिराज का थोड़ा सा खराब टाइम चल रहा था और आकाशदीप उसको रिप्लेस कर दिया है। थोड़ा सा इसके बारे में बाद में बात करते हैं। दूसरा जो चेंज था वो था केएल राहुल, गिल फिडो के वापस आ गया। तो हमें बस ये जानना था कि केएल राहुल और सरफराज में कौन बाहर होता है। केएल राहुल बाहर हुआ है, शॉकिंग तो बिल्कुल भी नहीं था, एक्सपेक्टेड था। लेकिन कल जिस तरीके से गंभीर ने बात किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम केएल राहुल को बैक करेंगे, ठीक है, कि सोशल मीडिया देख के हम प्लेइंग इलेवन डिसाइड नहीं करते, तो मुझे लगा शायद केएल राहुल खेल जाएगा, लेकिन ड्रॉप किया गया है और वॉशिंगटन सुंदर वापस आए। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो मतलब टीम पैनिक में आया है पहले टेस्ट के बाद, क्योंकि जब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तीनों मैच का एक साथ स्क्वाड अनाउंस हो गया था। ठीक है, और जब आप एक टेस्ट स्क्वाड अनाउंस करते हो आपको पहले से पता है कि न्यूजीलैंड के टीम में टॉप ऑर्डर में तीन चार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ये चीज आपको पहले से पता है। दूसरा ये चीज, जब आप एक टेस्ट स्क्वाड सिलेक्ट करते हो आप हमेशा अपने बेस्ट बॉलर्स को चूज करते हो ना स्क्वाड में, तो आपके हिसाब से आपके बेस्ट जो स्पिनर्स थे वो थे अश्विन, जडेजा, कुलदीप और अक्षर पटेल। लेकिन पहले मैच के बाद आपको रियलाइज हुआ नहीं हमें वॉशिंगटन सुंदर चाहिए, शायद अक्षर और कुलदीप से इधर ये चीज नहीं होगा जो वॉशिंग करके दे सकता है। तो थोड़ा बहुत आपने क्या सोच के फिर वॉशिंग को पहले ही चूज नहीं किया, ये एक रियलाइजेशन है। वो मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है ना वॉशिंग को लेने का इस स्क्वाड में वो बहुत हद तक इस चीज पर डिपेंडेंट था जिस तरीके से रचिन, रविंद्र और कॉन्वे ने पहले मैच में बैटिंग किया। बहुत हद तक कि रचिन ने जिस तरीके से स्पिनर को खेला है बैकफुट पे फ्रंट फुट पे जाके, तो इंडिया ने सोचा होगा कि हमें दो फिंगर ऑफ स्पिनर चाहिए, राइट हैंड ऑफ स्पिनर जो बॉल को दूर लेके जाए। अब वॉशी को लेने का जो फैसला था वो कितना सक्सेसफुल है वो बाद में हम बात करेंगे। अब आकाशदीप और बुमराह शुरू करते हैं। एक दो बॉल पे तो बीट किया आकाशदीप की, बहुत सारे बॉल कॉन्वे को आउटसाइड एज लग के गली की तरफ गया भी है, लेकिन ज्यादा ट्रेवल नहीं किया, दोनों ही बैट्समैन कंफर्टेबल लग रहे थे। फिर अश्विन आते राउंड द विकेट, एक बॉल डालता है एंगल करके जो लेथम को लग रहा था शायद एंगल करके अंदर आएगा, टर्न हुआ है, शार्प टर्न हुआ है और प्लम्प्ट हो गया है लेथम। उसके बाद विल यंग और कॉन्वे के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था, फिर से अश्विन आता है, एक डाउन द लेग बॉल जाता है, खराब बॉल था, उस बॉल पे विकेट आना बनता नहीं था, लेकिन थोड़ा सा विल यंग का बैलेंस खराब हो जाता है, ग्लव्स पे लगता है और ऋषभ पंत का बेहतरीन कैच था। ऋषभ पंत का विकेट कीपिंग जो स्किल है स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत खराब था पहले, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया एक्सीलेंट के बाद, जब से वापस आए स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम किया है। एक मुझे ऐसा लगता है इसलिए भी क्योंकि दिल्ली के अगेंस्ट जब दिल्ली के लिए जब खेलते हैं तो कुलदीप यादव होता है, अगर कुलदीप के अगेंस्ट आप नेट पे बहुत ज्यादा कीपिंग प्रैक्टिस करते हो तो आप थोड़ा बहुत तो इंप्रूव कर ही लोगे। बेहतरीन कीपिंग किया, अगर आप विलियम का कैच देखो जहां पे बॉल गिरा था वो कीपर के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, आपको बॉल दिखता नहीं, हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था और किसी को भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि ग्लव्स पे लगा है। एक सरफराज सिर्फ शॉर्ट लेग से चिल्ला रहा था कि लगाए लगाए ग्लव्स पे लगाए, तो लॉर्ड ऑफ क्रेडिट गोज टू सरफराज। अब दो विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड के जो दो बेस्ट बैट्समैन है कॉन्वे और रचिन रविंद्र दोनों पिच पे थे। कॉन्वे मुझे लगता है कि बुमराह के खिलाफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे दोनों मैचेस पे, अगर फर्स्ट मैच का सेकंड इनिंग छोड़ दो सुबह का 10-30 मिनट्स, दोनों मैच पे बुमराह के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। लंच तक न्यूजीलैंड 92 for 2 था, उसके बाद लंच के बाद शायद बुमराह ने 3 ओवर के एक स्पेल डाला था जहां पे बहुत मारा है कॉन्वे ने, एक ही ओवर पे 3 चौका मारा है। बुमराह ने रचिन को सरप्राइज करने के लिए 2 यॉर्कर भी डाला है, उसमें रचिन खुद के चौका मारा है, दूसरा यॉर्कर भी बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस किया है, बेहतरीन बैटिंग किया है, बेहतरीन बैटिंग किया है दोनों ने। मुझे पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, आज हमारा फील्डिंग ज्यादा अच्छा नहीं था और इस पूरे सीरीज में हम न्यूजीलैंड से फील्डिंग से खराब ही चल रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद इतना भी नोटिस किया नहीं होगा क्योंकि न्यूजीलैंड का रन कम था इस पिच पे। अगर आप देखो वॉशिंगटन सुंदर जब बॉल करने आया था खुद के बॉल पे जब स्ट्रेट ड्राइव करते बैट्समैन, दो बॉल उसके हाथ से हाथ के नीचे चला गया,
दो सिंगल इधर आ गया, फिर विराट कोहली, सरप्राइजिंगली विराट कोहली के हाथ से दो बॉल छूट गया, दो सिंगल इधर आ गया, शुभमन गिल के हाथ से कैच छूटा है, ऋषभ पंत के हाथ से कैच छूटा है। ठीक है, इस मैच पे ना मैं कह रहा हूं सिंगल्स डबल भी बहुत मैटर करेगा। जो आपने बैट्समैन को स्पेशली जब कॉनवे और रचिन बैटिंग कर रहे एक साथ, बहुत ज्यादा इजी सिंगल आ रहे थे। आप देखो जब इंडिया बैटिंग करने आया था, न्यूजीलैंड रन ही नहीं दे रहा था, न्यूजीलैंड रन ही नहीं दे रहा था, पहले दो ओवर मेड इन था। तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंस है ना, बहुत मैटर करेगा इस मैच पे, क्योंकि पिच इस तरीके का है। तो मुझे लगता है फील्डिंग हम बहुत ही खराब किया हमने। जो आकाशदीप जिस तरीके से आउटफील्ड में भाग रहा था, अश्विन तो एक बार बॉल उससे क्रॉस कर रहा था वो भागता ही नहीं है, बुमराह भी डाइव करता नहीं है। तो मुझे लगा फील्डिंग में हम बहुत ज्यादा पीछे थे आज भी। कॉनवे आपको पता है स्पिन के ज्यादा स्वीप और रिवर्स स्वीप करता है, बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था। फिर एक अश्विन का बॉल था जो इतना अच्छा बॉल नहीं था, बहुत बाहर था, इस बॉल को आराम से छोड़ सकते थे, ना फ्रंट फुट पे गया ना बैक फुट पे गया, ऐसा लगा कि पैर फंस गया है। ठीक है, दूर से खेलने की कोशिश किया, आउटसाइड एज, ऋषभ पंत का अगेन बेहतरीन कैच, 76 बना के आउट है कॉनवे। रचिन और कॉनवे के बीच एक 62 रन का पार्टनरशिप होता है, वंस अगेन ए ब्रिलियंट पार्टनरशिप। रचिन के बारे में मैं क्या ही बात करूं, मैंने पहले मैच में भी कहा था कि इंडिया में आके मैंने बहुत सारे सेना कंट्री के बैट्समैन को देखा हूं जो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलता है, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, चाहे वो माइकल क्लार्क हो, चाहे वो केविन पीटरसन हो, बहुत सारे बैट्समैन हैं जिन्होंने अच्छा किया है, लेकिन जिस टेक्निक के साथ रचिन बैटिंग करता है ना स्पिन के अगेंस्ट, शायद किसी और ने किया ही नहीं। बहुत जल्दी बॉल के लेंथ को पिक करता है, बैक फुट पे बहुत जल्दी पहुंच जाता है, फिर लेट कट करता है, जो भी बॉल थोड़ा फुलर लेंथ पे होता है कदमों का इस्तेमाल करके शॉट खेलता है, बेहतरीन बैटिंग करता है। एक टाइम पे लग रहा था कि रचिन का डिफेंस कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, इतना कंफर्टेबली वो डिफेंस कर रहा था। फिर वॉशिंगटन सुंदर अपने थर्ड स्पेल में आता है, पर आउट ऑफ नो एयर एक बॉल फुलर लेंथ पे गिर के, मतलब बैट्समैन के आंखों के नीचे गिरा है, फुलर लेंथ पे गिर के इतना शार्प टर्न हुआ, शायद 6.5 डिग्री का टर्न था और उसका ऑफ स्टंप चला गया रचिन का। हैज टू बी द बॉल ऑफ द डे, ब्यूटीफुल डिलीवरी, ब्यूटीफुल डिलीवरी। तो रचिन 65 बना के आउट हुए। अब मेरा सवाल यह है, जो वॉशिंगटन को वापस मतलब स्क्वाड में ऐड करने का प्लान था, वो बस सिर्फ इसलिए था कि रचिन और कॉनवे दोनों स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो हमें एक स्पिनर चाहिए था जो बॉल को उनसे एंगल करके दूर लेके जाए, ऑफ स्पिनर चाहिए था ताकि न्यूजीलैंड अच्छा रन ना बनाए। आप मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों बैट्समैन को छोड़ के ना पहले मैच पे कोई भी न्यूजीलैंड का बैट्समैन चला, टीम सऊदी का इनिंग्स तो फ्लूक था, टीम सऊदी का इनिंग्स तो फ्लूक था। आप उस टीम सऊदी के लिए तो अपने वॉशिंगटन को नहीं बुलाया, न्यूजीलैंड का चाहे कोई भी बैट्समैन हो, चाहे वो लेथम हो, विल यंग हो, डेरिल मिचेल हो, ब्लंडेल हो, किसी से बैटिंग, ग्लेन फिलिप्स हो, किसी से बैटिंग हो ही नहीं रहा था, ना पहले मैच पे हुआ है ना इस मैच पे हुआ है। तो आपने वॉशिंग को इसलिए बुलाया ताकि कॉनवे और रचिन को आप रोक पाओ, है ना। इसके बावजूद भी कॉनवे ने 70 मारा, रचिन ने 65 मारा। तो वॉशिंगटन से आप सुंदर को जो वापस लाने का प्लान था वो कितना सक्सेसफुल था। ठीक है, अगर 259 न्यूजीलैंड ने बनाया है ना, इसमें आधे से ज्यादा रन तो इन दोनों ने मिलकर बनाए हैं। अगर इन दोनों को आप 30-30 रन पे भी आउट कर लेते ना, तो इतना रन भी नहीं बनता और आप मैच पे बहुत आगे होते, बहुत आगे होते। तो वॉशिंगटन सुंदर से मैं आई एम नॉट टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम, बेहतरीन बॉल किया है, बेहतरीन। मतलब जिस टीम में अश्विन है, जिस एंड से अश्विन डिलीवरी डाल रहे हैं, आप उस एंड से आके उससे बेटर बॉलिंग कर रहे हो। तो वॉशिंगटन से उन्होंने अपना काम किया, लेकिन जिस पर्पज से वॉशिंगटन को टीम में लाया है, बैटिंग की पर्पज से तो नहीं लाया है, बैटिंग तो अक्षर पटेल को भी आता है, और बाकी ब्लंडेल, लेथम, फिलिप्स, इनके लिए तो वॉशिंग को ऐड नहीं किया ना, इनके इनके खिलाफ तो कोई भी बॉलर डाल देगा ना वो भी विकेट ले लेगा, इनसे तो बैटिंग हो नहीं रहा है। डेरिल मिचेल ने 54 बॉल्स खेला है, उसमें 30 बॉल उसके पैड में आके लगा होगा। ग्लेन फिलिप्स 30-31 बॉल्स खेला है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि पिच पे हो क्या रहा है, बैटिंग आता ही नहीं है। मेरे तो शॉक था कि न्यूजीलैंड के पास टैलेंट पूल इतना कम है, इनको पता है कि इस बैट्समैन से स्पिन कभी खेला ही नहीं जाएगा जिंदगी में, फिर भी इनको लेके आते टीम में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सोचो ना, अगर न्यूजीलैंड के कोई फैन मैच को देख रहा है, मतलब सीधा बॉल भी ग्लेन फिलिप्स से डेरिल मिचेल से खेला नहीं जा रहा है, तो अब उनके लिए तो वॉशिंग को नहीं बुला हुए, वॉशिंग को इसलिए बुलाया ताकि जो इनके दो टॉप बैट्समैन है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, रचिन और कॉनवे, इस इनको जल्दी आउट करने के लिए। लेकिन फिर भी वो दोनों रन बना गए। तो मुझे लगता है कि वॉशिंगटन को वापस लाने का प्लान किस हद तक सक्सेसफुल है वो सेकेंड इनिंग से पता लगेगा। अगर सेकेंड इनिंग से जब बैटिंग करने आएगी, अगर उधर जाके वॉशिंगटन रचिन और कॉनवे दोनों को जल्दी आउट कर देता और इंडिया को जीता देता, तो मैं बोलूंगा हाँ 100% सक्सेसफुल था, क्योंकि इस पिच पे जितना टर्न हो रहा था शायद कुलदीप भी विकेट ले लेता, अक्षर भी विकेट ले लेता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें चाहिए था रचिन और कॉनवे का विकेट जल्दी से जल्दी,
ताकि ये दोनों जैसे कुलदीप को बहुत आराम से पिक कर दे, दोनों पिक ना कर पाए, फिर भी रन बना गए दोनों, और इन दोनों का रन निकल दो तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन से बैटिंग हो ही नहीं रहा था, बैटिंग हो ही नहीं रहा था। डेरिल मिचेल जैसे मैंने बोला है 54 कुछ बॉल्स खेला है, पहले 20 बॉल में तो क्या बैटिंग कर दो खुद पता नहीं होगा। एक टाइम पे डेरिल मिचेल वो बैट्समैन था जो स्पिन को बेहतरीन खेलता था, अगर आप 1-1.5 साल पहले देख लो, इवन ओडीआई वर्ल्ड कप में कितना अच्छा बैटिंग किया था स्पिन के अगेंस्ट। इनफैक्ट चेन्नई ने उसको खरीदा इसलिए क्योंकि वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलता है। चेन्नई जब भी कभी भी जब बैट्समैन को चुनता ना अपनी टीम में, जब भी ऑक्शन में लेते हैं, वो इस तरीके के बैट्समैन को लेते हैं जो स्पिन को अच्छा खेलता है। डेरिल मिचेल से बैटिंग हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। फुल ऑन लेंथ के बॉल पे वॉशिंगटन के प्लम्प्ट हो गया। ब्लंडेल का बॉल तो टिपिकल ऑफ स्पिनर बॉल था, बैट और पैट के बीच इतना बड़ा गैप था, बॉल घुसा ऑफ स्टंप चला गया। अगर एक सरप्राइजिंग एक चीज देखो कि पिच कितना खराब है, ये समझने के लिए आप देखो जो वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिया है टी के बाद, एक रचिन, दूसरा ब्लंडेल, तीसरा डेरिल मिचेल, तीनों बॉल का अगर आप लेंथ देखो, तीनों बॉल फुल ऑन लेंथ पे था, 4 मीटर में था, गुड लेंथ पे नहीं था। अगर फुल ऑन लेंथ से बॉल इतना टर्न हो रहा है, इसका मतलब ये पिच में बहुत ज्यादा टर्न होने वाला है आगे जाके, और फुल ऑन लेंथ से अगर बॉल टर्न होता है तो बैट्समैन को भी एक्चुअली पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके आंखों के सामने अगर बॉल गिर के टर्न हो जाए ना, बैट्समैन कोई भी बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं करता है। अगर आप रचिन का डिफेंस देखो, वो अच्छा डिफेंस कर गया था, क्योंकि बॉल फुल ऑन लेंथ पे अगर बॉल गिर रहा है तो एंगल करके रचिन की बैट पे आता, लेकिन उधर से बहुत शार्प टर्न होकर जाकर ऑफ स्टंप पे लगा है। फुल ऑन लेंथ से बॉल टर्न हो रहा है, मैं रिपीट पे बोल रहा हूँ, फुल ऑन लेंथ से बॉल टर्न हो रहा है, जो होता नहीं है, गुड लेंथ से टर्न होता है। अगर फुल ऑन लेंथ बैट्समैन की आंखों के नीचे जहां पे आप डिफेंस करते हो, उधर से अगर बॉल टर्न हो जाएगा ना, खेलना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही आउट हुआ है, ग्लेन फिलिप्स भी बैटिंग नहीं हुआ है, उसने देख लिया 30 बॉल्स मेरे से बैटिंग नहीं हो रहा है, छक्का मारने के उसमें भी टाइमिंग नहीं हुआ, सीधा कैच, सीधा कैच। मिचेल सेंटनर, वन सेकेंड, मिचेल सेंटनर जो मैंने चीज कहा था कि सीएसके हमेशा ऐसे ही बैट्समैन को लेता है जो स्पिन को अच्छा खेलता है, मिचेल सेंटनर का पर अगर आप बैटिंग देखो, जितना भी उसने बनाया 22-23 रन, बैटिंग देखो ना, सच में कह रहा हूं, लेथम, ब्लंडेल, विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, सबसे इन सबसे बेहतरीन डिफेंस तो मिचेल सेंटनर का था। कितना कॉन्फिडेंटली वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन को डिफेंस कर रहा था, क्या शानदार बैटिंग किया है। और मुझे लगता है 20 रन, 22 रन जितने भी उसने बनाया ना, बहुत इंपोर्टेंट होगा इस मैच के कंटेक्स्ट पे। न्यूजीलैंड के पास टैलेंट पूल है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब स्पिन को खेला ही नहीं जाता, इतना अनकंफर्टेबल पोजीशन में मैंने इंग्लैंड के बैट्समैन को भी नहीं देखा। इंग्लैंड के बैट्समैन एटलीस्ट स्वीप रिवर्स स्वीप करके रन बना लेते थे जब इंडिया में आए थे, इनसे तो बॉल और बैट के लाइन पे मतलब बॉल के लाइन पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे, रचिन और कॉनवे छोड़ के और एक सेंटनर। लेकिन सेंटनर को भी एक बेहतरीन डिलीवरी डाला है वॉशिंगटन ने, 7 विकेट लिया वॉशिंगटन ने, 59 रन दिए, 7 विकेट, ब्यूटीफुल स्पेल, ब्रिलियंट स्पेल। आप एक चीज सोचो, इंडिया का वॉशिंगटन सुंदर वो स्पिनर है जो 3 साल बाद टेस्ट मैच खेलने आए हैं, आप मेन स्क्वाड में नहीं थे ऑलरेडी, जो 4 बेस्ट स्पिनर है हमने उनको चूज किया, फिर हमें लगा नहीं हमें वॉशी चाहिए, हमने वॉशी को बुलाया रणजी से वापस, उधर से एक बॉलर आके 7 विकेट ले रहा है, तो सोचो इंडिया में टैलेंट पूल कितना बड़ा है। और सिर्फ वॉशिंगटन का नहीं, आप अगर साई किशोर को बुलाओगे ना वो भी विकेट लेके देगा, आप अगर तनुष कोटियन को बुलाओगे वो भी विकेट लेके देगा, आप अगर मानव सुतर को बुलाओगे वो भी विकेट लेके देगा, आप अगर श्याम सुमरने के बुलाओगे ना वो भी विकेट लेके देगा। इतना बड़ा टैलेंट पूल इंडिया के पास, इतना बड़ा टैलेंट पूल, किसी को भी बुला के आप अच्छा स्पेल की एक्सपेक्ट करते हो कि वो अच्छा करके देगा। बेहतरीन स्पेल डाला वॉशिंगटन सुंदर ने इस पिच पे। मैं मानता हूं हर एक स्पिनर अच्छा कर सकता है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर मतलब अश्विन दूसरी तरफ से बॉल डाल रहे हैं, फिर भी आप इस तरफ से आके अगर इतना टर्न करवाओ बॉल, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और अश्विन खुद खुश होगा क्योंकि तमिलनाडु का प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है। और वॉशिंगटन सुंदर तो मतलब अभी मुझे लगता है बीजेटी में आने वाला है, लास्ट टाइम भी गया था, इस बार भी आने वाला है। 7 विकेट लिया है, 259 रन बनाया न्यूजीलैंड ने, 259। अगर कॉनवे और रचिन का रन छोड़ दो, किसी का रन ही नहीं, किसी का रन ही नहीं, और नीचे से थोड़ा डेरिल मिचेल मार गया, थोड़ा सा सॉरी डेरिल मिचेल नहीं, मिचेल सेंटर मार गया, लेकिन क्या 259 एनफ है। मुझे लगता है जो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग चुना है ना, उसका पूरे तरीके से फायदा नहीं उठा पाए। अगर इधर से 300 या 320 भी बना लेता ना, इंडिया को बहुत ज्यादा बैकफुट पे डाल देता, मुझे लगता है कि इस पिच पे 300 बहुत ज्यादा होता, 259 कम नहीं है। लेकिन आपने टॉस जीता, आपने पहले बैटिंग चुना, इस हिसाब से वो डोमिनेट नहीं कर पाए, लेकिन 259 फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्कोर है, डिसेंट स्कोर है। इधर भी आप प्रेशर में डाल सकते हो, लेकिन कितना लीड ले पाओगे उसका कोई एश्योरिटी नहीं है, हो सकता है आप लीड ना भी ले पाओ, इंडिया से ज्यादा बना दे, है ना। अगर 300-320 बनाते शायद आपको एक लीड मिल जाता,
और जैसे लीड भी मिलेगा तो शायद 30-40 रन का लीड मिलेगा, इतना तो खराब बैटिंग इंडिया करेगा नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फिर भी एक डिसेंट स्कोर है जिस तरह से बैटिंग किया है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वॉशिंगटन को कॉनवे और रचिन को लिए लाया गया था तो शायद और जल्दी हम एक्सपेक्ट करें दोनों को आउट करें, दोनों ने फिर से अच्छा बैटिंग करें। अच्छा बैटिंग किया, बहुत अच्छा बैटिंग किया दोनों ने, रचिन और कॉनवे दोनों ने। अब इंडिया बैटिंग करने आता, शायद दिन का 10 ओवर बाकी था, लेकिन मुझे लगा ना कि इंडिया का जो माइंडसेट था, जो होना नहीं चाहिए, जो कभी होता ही नहीं है, स्पेशली जब जयसवाल और रोहित शर्मा आते हैं बैटिंग करने के लिए, हम हमेशा सोचते दोनों रन के पीछे भागेंगे, दोनों इस तरीके का बैट्समैन है, लेकिन मुझे लगा कि दोनों है ना, दोनों के दिमाग में ये था कि कैसे भी करके आज का 10 ओवर निकाल दूं। पहले 2 ओवर मिड इन गए और रन के लिए कोई देख भी रहा था, फिर साउदी ने एक बॉल डाला, इतना अच्छा बॉल नहीं डाला, नहीं था ऐसा अनप्लेबल डिलीवरी नहीं था, लेकिन अनप्लेबल देखने में लगा, क्योंकि जिस तरह के रोहित शर्मा का बॉडी हिला है, जो राइट लेग है वो लेफ्ट में जाके फिर से राइट में हुआ है, रोहित शर्मा का पैर ना सामने मूव हुआ है ना पीछे मूव हुआ है, कोई फुटवर्क ही नहीं। और ये पहले मैच पे भी हुआ था, अभी भी हुआ है, बांग्लादेश के खिलाफ भी मुझे याद है शायद पहला मैच था चेन्नई में जहां पे उनका कोई फुटवर्क नहीं था, और रोहित शर्मा का हो गया बहुत सारे इनिंग्स जहां पे उनका रन नहीं आ रहा टेस्ट मैच पे, जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अभी हम बांग्लादेश सीरीज से बात करें कि अभी आना जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, लेकिन रन नहीं आ रहा है। 50 रन का एक नॉक आया था लास्ट मैच पे, लेकिन जो रोहित शर्मा को हम जानते शायद वो नहीं हो रहा है। और इस पिच पे मुझे लगता है कि अगर नए बॉल से रन आ जाएगा ना तो ज्यादा बेटर होगा एक टीम के लिए, जितना आप नया बॉल में रन बनाओगे उतना बेटर होगा मुझे लगता है, कि क्योंकि एक बार बॉल पुराना हो जाएगा ना शायद कोई सेकेंड न्यू बॉल ना भी ले, क्योंकि इतना ज्यादा टर्न होने वाला है इस पिच पे। 16 पे 1 है इंडिया दिन के खेल खत्म होने तक। अभी मुझे लगता है गेम है ना ऑलमोस्ट बराबरी में है, न्यूजीलैंड को शायद थोड़ा और डोमिनेट करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने टॉस जीता वो कर नहीं पाया, उन्होंने एक टाइम पे बहुत अच्छे पोजिशन में थे, फिर थर्ड सेशन में 5 विकेट गया न्यूजीलैंड का, जो वाशिंगटन का बेहतरीन स्पेल था, लेकिन इंडिया का भी स्टार्टिंग अच्छा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा नहीं है। और अभी भी अगर आप देखो, गिल ने जो अजयश पटेल के बॉल है बहुत बार बीट हुआ है, सेंटर के बॉल पे बीट हुआ है, उनके पास ग्लेन फिलिप्स है, उनके पास फिर रचिन रविंद्र भी है, मैच फंस सकता है, किसी एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन को एक लंबा इनिंग्स खेलना पड़ेगा इस पिच पे, जो भी बैट्समैन सेट हो जाए उनको एक लंबा इनिंग्स खेलना पड़ेगा, कोई भी न्यू बैट्समैन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा इस पिच पे बैटिंग करना। और मुझे लगता है कि इंडिया जितना ज्यादा लीड लेगा उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर इंडिया 4th इनिंग्स पे बैटिंग करने आएगा तो फंस सकता है, चाहे टारगेट जितना भी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।